मंत्रालय में मेरे सहयोगी डॉक्टर महेश शर्मा जी, विभाग की अतिरिक्त सचिव डॉक्टर अमिता जी, ललित जी, नाज जी, एनआईसी के डायरेक्टर अनिल जी, यहाँ उपस्थित सभी अन्य अधिकारीगण, इस मंत्रालय के वैज्ञानिक, कार्यक्रम में उपस्थित अन्य सभी ऑफिसर्स, टीचर्स, प्यारे बच्चों और मीडिया के मित्रों, बहुत पवित्र दिन है, बहुत पवित्र अवसर है। टीचर्स डे की आप सबको ढेर सारी शुभकामनाएं। खाली डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन को नहीं, देश के हजारों लाखों टीचर्स को, जिन्होंने इस देश के अंदर हजारों लाखों विभिन्न क्षेत्रों के अंदर महान इंटेलेक्चुअल्स को बनाने में अपना योगदान दिया, उनकी पवित्र स्मृति को भी, जो आज इस दुनिया में नहीं है, उनको भी नतमस्तक होकर प्रणाम करता हूं। और जो आज भी ये काम में जुटे हैं, उनको भी हृदय से मैं बहुत बहुत नतमस्तक होकर अभिनंदन करता हूं। हम सब जानते हैं कि टीचर्स जो है, उनका हर व्यक्ति के जीवन के अंदर एक बहुत महत्वपूर्ण स्थान होता है। भारत के राष्ट्रपति के सामने भी उसका नर्सरी क्लास का टीचर भी अगर मिलने के लिए चला जाए, तो शायद राष्ट्रपति जी का मन करेगा कि मैं इनके पांव छू लूं, और हो सकता है छू भी लेंगे तो कोई इसमें कोई असाधारण बात नहीं होगी। ये भाव हर व्यक्ति का अपने टीचर के प्रति रहता है, क्योंकि जीवन में जितनी भी अच्छी बातें हैं, हमको याद रख पाए या ना रख पाए, वो हमको कभी ना कभी किसी न किसी समय, किसी न किसी संस्थान में, किसी न किसी क्लास में, वो हमें हमारे टीचर ने बताई है। इसलिए आज के इस टीचर्स डे पर सब बच्चों को इसलिए बधाई देता हूं कि आपके टीचर्स का ये टीचर्स डे है। बच्चे यहां पर बहुत छोटे छोटे बैठे हैं, लेकिन अभी तक भी आपको बहुत अच्छी अच्छी बातें टीचर्स बता चुके होंगे। पहली बात तो मुझे ये कहना है कि जो कुछ आपको आपके टीचर स्कूल के अंदर बता रहे हैं, इसको अच्छी तरह से जान लीजिए, इसको अच्छी तरह से समझ लीजिए, इसको अपने जीवन में अच्छी तरह से आत्मसात कर लीजिए। स्कूल से निकलने के बाद ना तो कोई कॉलेज में इतनी अच्छी बातें बताएगा, ना ही कोई समाज जीवन में प्रवेश करने के बाद कोई इतनी अच्छी बातें बताएगा, नहीं कहीं आपको इतना अच्छा वातावरण मिलेगा कि आप अच्छी चीजों को जीवन के अंदर अपने याद रखें और उनके अनुसार अपने जीवन को आगे बढ़ाएं। ये तो बहुत ढेर सारी बातें हैं जो मैंने मेरे अच्छे टीचर से सीखी हैं, और मैं हमेशा जब भी कभी बच्चों के बीच में जाता हूं, 20 साल पहले शिक्षा मंत्री रहा दिल्ली में, तो उस समय भी हजारों लाखों बच्चों के साथ इंटरेक्शन किया, और उसके बाद भी जहां भी मौका मिलता है और बच्चे मुझे मिल जाते हैं, तो मैं बच्चों के सामने अपने उन टीचर्स को जरूर स्मरण करता हूं, और खासकर उन टीचर्स में भी उन टीचर्स को जिनकी कुछ बातों ने मुझे लगता है कि मेरे को कम से कम व्यक्तिगत जीवन के अंदर
एक उसकी अमिट छाप छोड़ने में और जीवन में आगे बढ़ने में सहायता की है। तो इसलिए शेयर करता हूं कि मुझे लगता है कि बच्चों ने अगर उनको याद करने की कोशिश की, भले ही मेरे टीचर ने मुझे बताई, तो भी उससे कुछ ना कुछ बच्चों का भी लाभ होगा और देश का भी लाभ होगा। नर्सरी से लेकर और 11वीं क्लास तक बहुत सारे टीचर्स के साथ हमको वास्ता पड़ा, जीवन में बहुत सारी अच्छी अच्छी बातें जानने का मौका मिला। लेकिन स्कूल छोड़ते समय अपने सबसे फेवरेट टीचर के पास जाकर मैंने कहा कि मेरी डायरी के ऊपर आप जीवन के लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है वो लिखती दीजिए। इतनी सारी बातें स्कूल में सीखी है लेकिन समझ में नहीं आता कौन सी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कौन सी कम इंपॉर्टेंट है। तो मेरे टीचर वो अंग्रेजी के टीचर थे लेकिन हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत तीनों भाषाओं के बहुत बड़े विद्वान थे, आज भी जीवित हैं। उन्होंने एक अंग्रेजी का लंबा सा सेंटेंस बोला, सुनने में तो साधारण सी बात है, सबने सुनी है, पहली क्लास से सुनते हैं, लेकिन वो इतनी महत्वपूर्ण है कि सब शिक्षाओं के अंदर सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण वो है। ये मुझे उन्होंने जब कहा तो मुझे लगा कि ये शायद वास्तव में सबसे महत्वपूर्ण है, तभी इतने बड़े विद्वान टीचर ने उसको बताया। तो उन्होंने अंग्रेजी का एक सेंटेंस बोला कि ऑनेस्टी इज द ओनली लेडर विच कैन हेल्प ए मैन क्लाइम द हाइट एंड हाइट ऑफ एक्सटेटिक प्लेयर फ्रॉम द लोएस्ट पिच ऑफ एब्जेक्ट फॉर्च्यून। जीवन में अगर आप खराब से खराब किस्मत लेकर भी पैदा हुए हैं और सफलता की और सुख की, हैप्पीनेस की चरम सीमा तक आप पहुंचना चाहते हैं, तो उसके लिए रास्ता एक ही है, उसके लिए सीढ़ी एक ही है, वो है ईमानदारी। अब ये कोई ऐसी नई बात नहीं है जो उन्होंने मुझे बताई, तो जब दूसरी क्लास के टीचर ने भी बताया था कि ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, और सबने अपने अपने तरीके से बताया, लेकिन उनसे जब मैंने कहा कि सबसे इम्पोर्टेंट क्या है वो मुझे बताइए, तो फिर मुझे याद है कि आज भी उन्होंने इतना लंबा सेंटेंस उस समय बोला तो हमें लगा ये तो याद नहीं रह सकता इतना लंबा सेंटेंस, तो हमने कहा इसको डायरी पे लिख दीजिए। तो उन्होंने वो सेंटेंस जो है डायरी पे लगभग 45-40 साल पहले लिख के दिया, वो आज भी डायरी पे लिखा हुआ रखा है। लेकिन मैं 45-40 साल के बाद ये जरूर कह सकता हूं कि जो उन्होंने मुझे 45-40 साल पहले लिख के दिया मेरे उस महान टीचर ने, वो जीवन का शाश्वत सत्य है। और फिर उन्होंने उसके साथ में मुझे कहा कि चार पांच चीजें ऐसी हैं जो अनबीटेबल हैं, जिनकी ताकत जो है वो अपरंपार है, जिसे कहते हैं कि अनलिमिटेड इनफाइनाइट पावर है उन चीजों के अंदर। तो पांच चीजों का उन्होंने नाम लिया, उसमें उन्होंने पावर ऑफ ऑनेस्टी की बात की जो उन्होंने अपने सेंटेंस में कहा, उन्होंने पावर ऑफ ट्रुथ की बात की जिसको हम लोग कहते हैं कि सत्यमेव जयते, ट्रुथ ऑलवेज प्रिवेल्स। उन्होंने पावर ऑफ कर्मा की बात की, हम जो हमारा कर्म करते हैं जिसके लिए गीता में भगवान श्री कृष्ण ने भी अर्जुन के साथी बनकर सारे दुनिया के लोगों को कर्मयोग का पाठ पढ़ाया है। पांचवी बात, चौथी बात उन्होंने जो है पावर ऑफ लव एंड कंपेशन, दूसरों के प्रति संवेदनशीलता, प्रेम का भाव, आत्मीयता का भाव, दूसरों के लिए जीवन, जिसके लिए स्वामी विवेकानंद ने कहा कि जीवन में केवल वही लोग जीते हैं जो दूसरों के लिए जीते हैं, बाकी सब जीते हुए भी मृतक के समान है। और अंत में जो अभी हमारे साथी डॉक्टर महेश शर्मा जी ने भी कहा कि गॉड के बारे में उन्होंने कहा कि भगवान की जो ताकत है, भगवान के ऊपर कोई क्वेश्चन नहीं करना चाहिए, जीवन में कितनी भी निराशा हो जाए, कितनी भी तकलीफ आ जाए, लेकिन भगवान के ऊपर विश्वास के अंदर जो है वो कमी नहीं करनी चाहिए। अपने माता पिता के ऊपर विश्वास में, अपने टीचर्स के प्रति, क्योंकि कोई भी कुछ भी गलत आपके लिए कर सकता है लेकिन भगवान आपके माता पिता और टीचर्स नहीं करेंगे,
बहुत अच्छी बात उन्होंने कही। तो ये पांच चीजों के बारे में उन्होंने कहा, तो इसलिए मैंने इनका जिक्र आपसे इसलिए क्या, क्योंकि ये टीचर्स डे है। और उसके बाद दो मेरे मेडिकल कॉलेज के टीचर्स को मैं याद जरूर करता हूँ, जिन्होंने दो बेसिक बातें बताई, बहुत सारे लोगों ने बहुत सारी बातें बताई। एक थे जिनके कारण हम अपने जीवन में एक सर्जन बने, तो वो हमेशा कहते थे, वो देश के और अंतर्राष्ट्रीय स्तर के विख्यात ईएनटी सर्जन थे, वो हमेशा ये कहते थे कि कोई भी काम जीवन में करो उसके अंदर अपना हार्ट एंड सोल लगा के करो, कैजुअल ढंग से कुछ मत करो। और दूसरा, उसको मेटिकुलस प्रिसीजन के साथ करो, काम चलाओ, काम नहीं करना है, जो काम करना है उसके अंदर फिर फुल स्टॉप कॉमा की भी कमी नहीं होनी चाहिए, यानी उसके अंदर पूरा मन लगा के, मनोयोग से, पूरी आत्मा के साथ, पूरा हृदय लगाकर उसको काम को करो। और एक दूसरे टीचर थे, उन्होंने जो है मुझे ये कहा कि डॉक्टर पेशे का सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, तो उन्होंने कहा कि डॉक्टर पेशे में आप अच्छी डायग्नोसिस करते हैं, इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप का व्यवहार कैसा है। आप अगर व्यवहार कुशल है दूसरे के प्रति, आप दूसरे से बातचीत अच्छी तरीके से करते हैं, तो आपकी बीमारी का, मरीज की डायग्नोसिस भी गलत हो गया तो भी आपको कोई तकलीफ नहीं देगा। कोई आपका मरीज वो कहेगा कि जो भी हो, कोई भी मेरा पेट का दर्द का डायग्नोसिस ठीक नहीं हुआ, लेकिन डॉक्टर आदमी बहुत बढ़िया है। तो ये चीज हमने देखा कि हम जब हेल्थ मिनिस्टर भी थे, दिल्ली में भी रहे, तो अपने डॉक्टर लोगों को यही बोलते थे कि जब तुम्हारा इमरजेंसी में मरीज आता है तो ये मत समझो, तुम तो रोज फ्रैक्चर देखते हो, रोज किसी की टांग टूट गई, किसी का सर फूट गया, किसी का हेड इंजरी हो गई, किसी का लकवा मार गया, तुम्हारे लिए तो ये रूटीन होगा, लेकिन जो अस्पताल में आया है उसके लिए ये जीवन का पहला एक्सपीरियंस है। वो तुम्हारे बारे में, तुम्हारे प्रोफेशन के बारे में, तुमने कैसा व्यवहार किया उसी से लेकर जाएगा। और आप कोई भी चीज में देखना, घर के अंदर भी देखना, आप अपने भाई से, अपने बहन से, अपने माता से, पिता से, दोस्त से ऐसे करके बोलो तो वो खराब हो जाता है, थोड़ा सा ऐसे कर लो तो अच्छा हो जाता है, वही चीज आपकी अच्छी लगती है, वही चीज आपकी, वही शब्दों को आप दो तरीके से बोलो, फेस का एक्सप्रेशन चेंज कर दो तो वो खराब और वही जो है अच्छे हो जाते हैं। तो इसलिए ये तो मैंने अपने अनुभव से कुछ चीजें रिकॉल की, लेकिन आपको आई एम श्योर कि बच्चों को आपके टीचर्स ने बहुत अच्छी अच्छी बातें बताई होंगी। और मैं अपनी शिक्षा जगत के अनुभव के आधार पर ये कह सकता हूं कि भारत के लिए या दुनिया के लिए अगर कोई सही में आशा की किरण है, दोबारा से सब भारत को हम विश्व गुरु बना सकेंगे, भारत को दोबारा से ऊंचाइयों तक पहुंचा पाएंगे, भारत को जैसा नरेंद्र मोदी जी के सपनों की बात की गई वैसा सपनों वाला न्यू इंडिया बना पाएंगे, इस भारत में सभी लोगों के चेहरे से दुख तकलीफ दूर कर पाएंगे, सब बच्चों के लिए पर्याप्त खाना पीना, कैलोरीज, शिक्षा, ये सब उपलब्ध करा पाएंगे, तो उसके लिए अगर कोई एक आशा की किरण मुझे जो सबसे इम्पोर्टेंट लगती है वो टीचर्स और उनके स्टूडेंट्स, जो कुछ इनके माध्यम से हो सकता है परिवर्तन, वो शायद किसी के माध्यम से नहीं हो सकता, क्योंकि यू आर द फ्यूचर ऑफ इंडिया, यू आर द फ्यूचर ऑफ मैनकाइंड। और आपको अगर अच्छा इंसान बनाने के अंदर हमारा शिक्षा जगत सफल हो जाएगा तो शायद मैं समझता हूं कि फिर कोई हमें चिंता करने की बात नहीं। और इसलिए जो आज हमारे अधिकारियों ने एक पर्यावरण खोज करके एक क्विज कंपटीशन ऑर्गेनाइज किया है, ये एक सिंबॉलिक प्रयास है उसी दिशा के अंदर अपने देश को अपने बच्चों की सहायता से आगे लेके जाने का। इसमें कितने लोगों को कितने प्राइज मिले ये इम्पोर्टेंट नहीं, लेकिन अभी शुरुआत के अंदर मैंने तो कहा था पहली बार में ही सारे देश के सारे बच्चों को हमें इन्वॉल्व करना है, लेकिन डिपार्टमेंट के लोगों ने कहा नहीं, पहले इको क्लब्स जो बने हैं ये 40 लाख बच्चों से हम अनुभव अपना प्रारंभ करते हैं।
तो 40 लाख बच्चों ने जवाब सही दिया या गलत दिया ये इम्पोर्टेंट नहीं, लेकिन पर्यावरण के बारे में, नेचर के बारे में जानने की जिज्ञासा पैदा हो गई, उसको समझने की शक्ति पैदा हो गई, उसके लिए इंक्विजिटिव हो गए, पढ़ना शुरू कर दिया और फिर उसको जीवन के अंदर अपनाना शुरू कर दिया, ये समझना शुरू कर दिया कि हमारे जो पूर्वज लोग थे वो कितनी परफेक्ट हार्मोनी उन्होंने नेचर के साथ, प्रकृति के साथ रखी थी, कैसे वो जीते थे, कैसे वो नदियों की रक्षा करते थे, कैसे वो पेड़ लगाते थे, कैसे वो वनों की रक्षा करते थे, कैसे वो पशुओं के साथ प्रेम का और संवेदनशीलता का भाव रखते थे। तो ये जो भाव अगर बच्चों के अंदर पैदा हो गया और बच्चों ने इसकी क्लाइमेट चेंज की और ग्लोबल वार्मिंग जैसे बड़े बड़े शब्दों को समझ लिया, उसकी गहराई में डूब गए, तो फिर जो बच्चे समाधान निकाल के हमें देंगे वो समाधान से जो है हमारी सारी की सारी समस्याएं सॉल्व हो जाएंगी। सौभाग्य से हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को अगर किसी के ऊपर सबसे ज्यादा विश्वास है तो वो हमारे बच्चों के ऊपर है, वो हमारे नौजवानों के ऊपर है, उनकी योग्यता के ऊपर, उनकी क्षमता के ऊपर, उनके जज्बे के ऊपर। और इसलिए इस कार्यक्रम में बहुत सारी चीजें एनवायरमेंट में करने के लिए बड़े बड़े मीटिंगें होती है, कोई पेरिस में होती है, कोई कहीं होती है, कोई कहीं होती है, लेकिन असली मीटिंग ये है, असली काम ये है जो हमारे बच्चों के माध्यम से हम कर रहे हैं। इसलिए जब पहली मीटिंग में आया था मैंने कहा था कि हम सारे देश भर में एक आंदोलन खड़ा करके पर्यावरण रक्षक ऐसे बच्चे बनाएंगे, वो बच्चे अपने आप को रजिस्टर करेंगे, कोई उसका मैकेनिज्म डेवलप करेंगे, कोई मिस कॉल होगी, कोई चीज होगी, वो एक अच्छा पर्यावरण के लिए काम करेंगे, उसको हमारी वेबसाइट के ऊपर फोटो के साथ लोड करेंगे, हम उसको सारे दुनिया के दूसरे बच्चों के साथ उनके अच्छे कामों को शेयर करेंगे, इस बहाने उनको प्रोत्साहन भी देंगे, उन बच्चों से कुछ सीखेंगे भी, और उसी दिशा के अंदर धीरे धीरे बढ़ते हुए ये हमारी क्विज और दूसरे बहुत सारे नाज जी को मैं बधाई देता हूँ, इन्होंने और हमारे मेहता साहब और उनकी पूरी टीम ने मिलके, सेक्रेटरी साहब ने, अमिता जी ने, सबने मिलके दिवाली के लिए इतने पहले से हमने तैयारी शुरू की है, सारे देश के प्रिंसिपल्स को हम लोगों ने लिख दिया है, सारे देश के मुख्यमंत्रियों को लिख दिया है, बच्चे कितनी बड़ी तादाद में रोज यहाँ आ रहे हैं, कितने सारे स्कूल इसके अंदर इन्वॉल्व हो गए हैं, और अभी से बच्चों ने संकल्प लिया कि इस बार की जो दिवाली है वो हरित दिवाली होगी, कोई पॉल्यूशन हम नहीं करेंगे, और साथ में बच्चों ने संकल्प लेना शुरू किया कि जो दिवाली के ऊपर पैसा हम खर्चा करते हैं वो पैसा जो है वो हम अपने माँ बाप से लेके और किसी गरीब बस्ती में जाकर किसी गरीब के लिए भोजन की, मिठाई की, कोई पढ़ाई की किताब की या किसी भी गिफ्ट के माध्यम से हम उसके साथ प्रेम का संबंध बनाएंगे। ये हमारे हजारों बच्चे अभी तक संकल्प ले चुके हैं, आने वाले समय में और लाखों बच्चे इस संकल्प को लेने वाले हैं। तो आज का ये अवसर बहुत पवित्र है। अभी मैं हिसाब लगा रहा था कि 40 लाख बच्चों के लिए 100 प्राइज, तो 40,000 बच्चे जो पार्टिसिपेट करेंगे उसके ऊपर एक प्राइज है, तो इसको भी थोड़ा सा डॉक्टर और मीता जी को मैं कहता हूँ थोड़ा इसको भी रिव्यू करें कि हाउ वी कैन एटलीस्ट, ठीक है सबको एक एक सर्टिफिकेट देंगे डिजिटल, लेकिन इसके अंदर भी कुछ और इम्प्रूवमेंट हो सकता है वो करे। और दूसरा, अभी जो डॉक्टर महेश शर्मा जी ने भी हमें उल्लेख करा कि ये जो साल चल रहा है बहुत ही इम्पोर्टेंट साल है, ये पिछली शताब्दी के जो देश में जो महानतम विचारक पैदा हुए हैं वो तो भले ही भारतीय जनसंघ के थे लेकिन शायद पंडित दीनदयाल उपाध्याय से बड़ा विचारक पिछले 100 साल में नहीं हुआ, जिन्होंने एकात्म मानववाद का दर्शन जो है सारी दुनिया को दिया, वो सारी दुनिया स्वीकार करती है। और इस एक साल के अंदर हम बहुत सारे कामों के माध्यम से उनको हम स्मरण कर रहे हैं, और उनको स्मरण करने में हम सबका ये स्वार्थ है कि उसके बहाने हम जो विषय उन्होंने हमें ध्यान दिलाया कि समाज का जो अंतिम व्यक्ति है, अंतिम पंक्ति के अंदर सबसे पीछे असहाय खड़ा है, उसके ऊपर सिर उठाकर देखने की भी हिम्मत नहीं, उसको खाने के लिए नहीं है, उसके बच्चे के लिए रहने के घर नहीं, और शायद उसके ऊपर किसी का ध्यान भी उस तरह से नहीं है,
उसके ऊपर सबसे पहले ध्यान करके उसके बारे में चिंता करनी है। और उसको खाली सरकार ने चिंता नहीं करनी, सारे समाज ने चिंता करनी है। इसलिए प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि ये जो संकल्प से सिद्धि, सब छोटा छोटा संकल्प ले और दूसरे किसी आदमी के लिए जीने की प्रक्रिया प्रारंभ करें। तो मैंने अभी डॉक्टर अमिता जी को सुझाव दिया कि इस कार्यक्रम को 25 सितंबर को हम उनके पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के जन्म दिवस के ऊपर हम शुरू करें और इस कार्यक्रम को इस वर्ष समाप्त करें हम इसको 25 दिसंबर को, जिसको हम गुड गवर्नेंस डे भी बोलते हैं। अब वो गुड गवर्नेंस इसलिए बोलते हैं कि हमारे देश के महान प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी, जो सबके हृदय में आत्मा के अंदर उनके लिए बहुत सम्मान है, कोई विपक्ष का व्यक्ति भी है वो भी उनके लिए बहुत सम्मान रखता है, तो इतना अच्छा उन्होंने देश के लिए काम किया, बच्चों के लिए काम किया, साइंस के लिए उन्होंने कहा कि ये जय जवान जय किसान नहीं जय विज्ञान भी होगा। जब कोई सोच नहीं सकता था तो उन्होंने प्रधानमंत्री बनने के 2 महीने के अंदर अंदर चुपके से जाकर जो है पोखरण विस्फोट करके भारत को एक न्यूक्लियर शक्ति बना दिया। बहुत अच्छे अच्छे काम किए और बहुत अच्छे तरीके से किए, इसलिए उनका जन्मदिवस गुड गवर्नेंस डे के रूप में मनाया जाता है। तो हम इस वर्ष इस कार्यक्रम को पंडित दीनदयाल उपाध्याय के जन्मदिन पर शुरू करें और अटल बिहारी वाजपेयी के जन्मदिन पर खत्म करें और अगले साल के लिए अभी मन बना लें कि अगले साल ये इतनी बड़ी क्विज होगी, ये इतनी बड़ी क्विज होगी कि ये सबसे बड़ी हो जाएगी। इसको हम दुनिया की सबसे बड़ी क्विज के रूप में विकसित करेंगे कि इतने बड़े संख्या में पूरे दुनिया में किसी क्विज में कोई पार्टिसिपेशन ना हुआ, उतनी बड़ी क्विज जो है 2018 के अंदर करनी है देश के हर स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे को, और अगर स्कूल के बाहर वाले को भी ज्वाइन कराने का मैकेनिज्म गलत हो जाएगा कोई साइंटिफिक, तो ये काम 2018 में करना है। और 2018 तक इतना बड़ा आंदोलन पर्यावरण के लिए सारे भारत के अंदर हम सब बच्चों की सहायता से खड़ा करेंगे कि हर व्यक्ति हर समय कुछ भी करते समय सबसे पहले उसके मन में विचार आएगा कि ये जो काम मैं कर रहा हूं, ये जो मैंने आधा ग्लास पानी यहाँ पे फालतू में रख के बर्बाद किया है, ये मैंने क्यों किया। इसलिए हर छोटे से छोटे काम के पहले हर आदमी के देश में मन में ये विचार पैदा हो जाए, वो काम बच्चों के माध्यम से हमें कराना है। तो अगर बच्चों को लगता है कि आप सब ये कर सकते हो तो एक बार हमको हाथ खड़ा करके ताली बजा के कुछ भी करके बता दो। मुझे समझ में आ गया कि हमारे बच्चों को जो है हमारी बात समझ में आ गई, बड़ों को आई कि नहीं आई मुझे पता नहीं, लेकिन बच्चों को पूरी समझ में आ गई है। और बच्चों को समझ में आ गई है तो हमारी चिंता बिल्कुल खत्म हो गई, क्योंकि बच्चों के माध्यम से हमने देखा कि बड़े से बड़े आंदोलन जो है इन बच्चों ने सफल करके दिखाए हैं। मुझे व्यक्तिगत तौर पर पोलियो उन्मूलन के आंदोलन का अनुभव है कि वो सिर्फ स्कूल के बच्चों की सहायता से इतना बड़ा आंदोलन सारे देश में खड़ा हो गया कि आज बीमारी को जड़ से बाहर निकाल के फेंक दिया बच्चों ने। और इसी तरह से और कितने कामों के अंदर हर रोज बच्चे, और अभी जब हम बच्चों की लगाई हुई एग्जीबिशन देखते हैं तो हमारे मन में तो बच्चों के लिए बहुत ज्यादा इज्जत बढ़ जाती है, बहुत ज्यादा भावना बढ़ जाती है, बहुत ज्यादा प्रेम बढ़ जाता है, बहुत ज्यादा आशीर्वाद देने की इच्छा करती है, बहुत ज्यादा उनके बेहतरीन भविष्य के लिए भगवान से प्रार्थना करने का मन करता है। तो मैं आज के इस अवसर पर हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ सारे अपने ऑफिसर्स का, न्यास जी का, इन्होंने भी पूरा बच्चों की फौज जो है वो रोज जो है नई फौज जो है इकट्ठा करती है, उनकी पूरी टीम को, साथियों को, सबको मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ। और अधिक से अधिक आज जो बच्चे बैठे हैं इनको भी उस क्विज के अंदर सफलता मिले। देखो आपके सामने हो गया पेपर आउट, पेपर आउट इस सेंस में कि आपको आज पता लग गया है। बहुत सारे बच्चों को हो सकता है 25 सितंबर के पहले पता लगेगा, तो मैं ये समझता हूँ कि ये बच्चों को तो पर्यावरण से जुड़ी हुई हर चीज को इतनी गहराई से पढ़ लेना चाहिए 25 सितंबर से पहले कि ज्यादातर जो इनाम मिले, लेकिन जिसको जितना समय मिलता है उसी के हिसाब से तो कह सकता है। जिसको 15 दिन के बाद पता लगेगा वो कितनी पढ़ाई करेगा। तो आपको हमने आज बुलाकर एक प्रकार से ये एडवांटेज दिया है, तो आप हमारे सभी ऑफिसर्स का धन्यवाद करो कि कंपटीशन के अंदर जो है आपने आपको कहीं ज्यादा फैसिलिटी दे दी है।
बहुत बहुत धन्यवाद, ढेर सारी शुभकामनाएं। नाज जी मुझे कह रही हैं कि आप सबको एक प्लेज दिलाना है, तो बेटा जरा जो हम बोलेंगे सिर्फ उसको रिपीट करना है आपको। स्वस्थ भारत हरित भारत, स्वस्थ भारत हरित भारत, ग्रीन ग्रीन प्लेज, ग्रीन प्लेज, आई शैल डू माय बेस्ट फॉर प्रोटेक्टिंग द अर्थ एंड इट्स नेचुरल एनवायरनमेंट, आई शैल ऑल्सो adopt such practices that would minimize wastage. I shall reuse whatever I can. I shall take care to clean up the environment. I shall reduce the waste we create. I shall plant More trees. I shall conserve energy and water. Jai Hind. 25 सितंबर को पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के जन्म दिवस से शुरू करके और देश के पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी के जन्म दिवस तक, इसको हम गुड गवर्नेंस डे के रूप में मनाते हैं। इस बीच में देश के अंदर जो हमने इस मिनिस्ट्री के माध्यम से हजारों इको क्लब्स स्कूल के बच्चों के बनाए हैं, जिसमें लगभग 40 लाख बच्चे उसके मेंबर्स हैं, उनके बीच में ये प्रकृति की खोज करके ऑनलाइन एक प्रकार का क्विज कंपटीशन होगा, जिसमें नेचर एनवायरनमेंट, नेचर और एनवायरनमेंट से जुड़े हुए, फॉरेस्ट से जुड़े हुए, वाटर से जुड़े हुए, क्लीन एयर से जुड़े हुए, ग्लोबल वार्मिंग से जुड़े हुए, क्लाइमेट चेंज से जुड़े हुए, बायोडायवर्सिटी से जुड़े हुए और जितने भी इससे रिलेटेड जो विषय हो सकते हैं उनके बारे में हम ऑनलाइन कंपटीशन करेंगे, डिफरेंट राउंड्स करेंगे और फिर सैकड़ों की तादाद में प्राइजेस सर्टिफिकेट्स बच्चों को देंगे। पर्पस ये है कि देश के बच्चों के माध्यम से एक साफ सुथरे पर्यावरण के लिए, स्वच्छ जल के लिए, स्वच्छ हवा के लिए, ग्लोबल वार्मिंग और क्लाइमेट चेंज जैसे खतरों से निपटने के लिए हम एक राष्ट्रीय आंदोलन विकसित करने के लिए तैयारी प्रारंभ करें और हमें पूरा विश्वास है कि इस क्विज के माध्यम से बहुत बड़ी संख्या में बच्चों के अंदर नेचर के प्रति प्रेम भी विकसित होगा, नेचर के प्रति ज्ञान प्राप्त करने की जिज्ञासा भी विकसित होगी और हमें आने वाले समय के अंदर इन बच्चों के माध्यम से सारे दुनिया के अंदर एक पर्यावरण से जुड़े हुए विषयों पर कैसे हमें एक आदर्श वातावरण बनाना है, इसका पूरी दुनिया के लिए मॉडल भारत को विकसित करके दिखाना है। और जो प्रधानमंत्री मोदी जी का सपना है कि 2022 तक न्यू इंडिया भारत को देना है, ऐसा इंडिया देना है जहाँ कोई पर्यावरण के बारे में इतनी लंबी चौड़ी डिबेट करने की जरूरत नहीं होगी, स्वतः हम हमारे पूर्वजों की दी हुई महान शिक्षा उसको दोबारा से रिवाइव कर पाएंगे, जैसे वो पर्यावरण की रक्षा करते थे, जैसे पर्यावरण और नेचर के साथ उनका एक परफेक्ट हारमोनी थी, समन्वय था, उसको हम दोबारा पुनर्स्थापित कर पाएंगे और मोदी जी का न्यू इंडिया इन बच्चों की सहायता से डिलीवर करेंगे। सर, बिकॉज ऑफ अ deficient waste management procedure, we have seen this tragedy that happened in Ghazipur, you know, where this dump has overflown over there, and because several things that should have been in place are not in place. So as an environment minister, what do you have to say about that, and what kind of steps can be taken to prevent such tragedies? You see, there are this waste in Ghazipur may be one of the issues. There are hundreds of issues like this, which in fact worry all of us, not as an environment minister, but as an average Indian. I think we need to look at everything very meticulously, with lot of detailed insight into all these problems, and also see that we are able to involve the society in a big way
for alleviation of the sufferings of the common men which are produced because of all these unfortunate you can say things or events in the society. So we'll wherever we have you can say specific inputs to be given by the ministry. Today itself we have called a meeting of the ministers, environment ministers of all the states within the NCR region, and we are going to discuss all such related issues related to pollution and waste disposal and waste management with all of them. Thank you.